नमस्कार मैं हूं सी आइए जानते के झारखंड पंचायत चुनाव 25 दिसंबर से पहले झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है बता दें राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली है ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने की संभावना है रिपोर्ट के अनुसार सरकार पंद्रह नवंबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश में जुटी है सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव को 25 दिसंबर से पहले करा लिया जाए बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों पहले ही जिलों के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी इस मीटिंग में मतदान केंद्रों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्के से मध्य दर्द की बारिश और वज्रपात की संभावना है इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है बता दें रांची के अधिकतम तापमान में अगले दो से तीन दिनों में दो डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है इससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा मौसम विभाग के अनुसार अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है इसके कारण अंडमान समुद्र से सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। झारखंड कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, देश समेत झारखंड में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से बिजली उत्पादन पिछले कुछ दिनों से प्रभावित हो रहा है इस संकट के बीच गुरुवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे बता दें यहां से वो सीधे चतरा जिला स्थित अशोका ओपन कास्ट कोयला खदान का दौरा किया इस दौरान कोयला मंत्री श्री जोशी ने कहा कि कोयले के स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश हो रही है इसी के तहत 15 अक्टूबर से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होगी बता दें केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि देश में बिजली संकट पर केंद्र सरकार की विशेष नजर है जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में जनित बीमारियाँ का बढ़ रहा प्रकोप पूर्वी सिंहभूम जिला मलेरिया विभाग द्वारा जनवरी से अगस्त 2021 तक कराए गए सर्वे के अनुसार आठ माह में जिले में चौवन हज़ार सात सौ तिरपन लोगों की जाँच की गई इसमें तीन सौ पंद्रह मलेरिया के मरीज़ मिले हैं बता दें इसमें सामान्य मलेरिया के चालीस मरीज मिले वहीं गंभीर मलेरिया के दो मरीज मिले हैं पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका व पटमदा में एक भी मलेरिया के मरीज़ नहीं मिले वहाँ बहरगोड़ा में पच्चीस कलिया में उन्नीस व अर्बन में सोलह मरीज मिले हैं हाँ। सौ करोड़ वैक्सीनेशन पर टीकाकरण उत्सव देश भर में इस माह लगभग सौ करोड़ लोगों का टीकाकरण होने के आंकड़े तक पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में गुरुवार को टीकाकरण उत्सव मनाया गया इस दौरान रांची के जिला सदर अस्पताल केंद्र मोराबादी टीकाकरण केंद्र ए केंद्र रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र आई एम ए टीकाकरण केंद्र सहित जिला के सभी सी एच सी में दीप जलाए गए इसे लेकर सभी जगहों को बैलून और एल ई डी लाइटिंग से सजाया गया महानवमी पर रांची के तमाड़ में पैंतीस साल के युवक की चढ़ा दी बलि रांची के तमाड़ में सनसनी खेज वारदात को अंजाम दिया गया है बता दें यहां पर पैंतीस साल के एक युवक की बलि चढ़ा दी गई है तमाड़ वही इलाका है जहां प्रसिद्ध देवरी मंदिर है हालांकि वारदात मंदिर से काफ़ी दूर पीपीईडी गांव दी में हुई है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है बता दें हत्या करने वाला युवक सुबह से ही लोगों से कह रहा था कि आज महानवमी है किसी की बलि चढ़ानी होगी मारा गया युवक पीपाई दी गांव का ही रहने वाला है बता दें एस पी ग्रामीण नौसाद आलम ने बताया कि पिपाई दी का रहने वाला तरुण कुमार महतो गुरुवार के सुबह से ही गांव में बोलते फिर रहा था कि आज महानवमी है आज किसी की बलि देनी होगी रांची में होने वाले टी ट्वेंटी मैच के आयोजन पर संकट टला रांची में आगामी उन्नीस नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड टी ट्वेंटी मुकाबले पर संकट के बादल छट चुके हैं बता दें होटल रेडिसन ब्लू में कमरे को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर विराम लग चुका है बता दें आई अधिकारी जिसने अपनी शादी के लिए उन्नीस और बीस नवंबर को इक्कीस कमरे बुक कराया था अब उसे कैंसिल करने के लिए तैयार हो गए हैं दरअसल भारत न्यूजीलैंड के बीच उन्नीस नवंबर टी का आयोजन होना है जिसके लिए बीसीआई को दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को ठहरने के लिए कम से कम सौ कमरों की आवश्यकता है हाथी पर वन विभाग सख्त बंगाल से बुलाए जाएंगे विशेषज्ञ राज्य के लातेहार हजारीबाग एवं आसपास के क्षेत्रों में पांच लोगों को मौत के घाट उतार चुके झुंड के बिछड़े हाथी को वन विभाग ने अपने रडार पर ले लिया है बता दे अगर वह हमला करने से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ वन विभाग सख्त रवैया अपनाएगा उसे बेहोश करके दूर जंगल में छोड़ा जाएगा बता दे पीसीसीएफ पीके एफ पी के वर्मा के मुताबिक हाथी को बेहोश करने का संसाधन झारखंड वन विभाग के पास नहीं है इसलिए पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ बुलाने की तैयारी कर ली गई है राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा की दी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल रमेश बैस ने दुर्गा पूजा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें देश व राज्य से कोरोना महामारी का पूरी तरह से उन्मूलन हो एवं समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना में और वृद्धि हो झारखंड में कोरोना के ग्यारह नए केस मिले हैं जो रांची से आठ पूर्वी से दो खूटी से एक मिले हैं झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 130 है भारत में सोलह हजार नौ सौ नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या एक लाख संतानवे हजार दो सौ उनचालीस है पलामू पुलिस ने राजू तिर्की को बनारस से किया गिरफ्तार पलामू पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बना हार्डकोर अपराधी राजू तिर्की को गिरफ्तार कर लिया गया है बता दें पलामू पुलिस की एक विशेष टीम ने बुधवार को बनारस से राजू को गिरफ्तार किया इसके विरुद्ध हत्या अपहरण फिरौती रंगदारी सहित एक दर्जन से अधिक मामले शहर व जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं बता दें पुलिस इसकी पिछले कई वर्षों से तलाश कर रही थी पलामू पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है बाल विवाह रुकवा कर मशहूर हुई गिरिडीह की चंपा गिरिडीह के गांव प्रखंड के जमदार गांव की रहने वाली 16 साल की चंपा कुमारी बाल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी आवाज़ बुलंद की कि दुनिया में छा गई बता दें गरीब परिवारों की बेटी पाँच वर्ष पहले बंद माइका खदान में माइका के टुकड़े चुनती थी ताकि परिवार को सहारा दे सके तभी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सदस्यों ने उसे तालीम का महत्व समझाया फिर क्या था उसकी जिंदगी बदल गई बता दे उसने पढ़ाई शुरू की अपने जैसे बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बढ़ चली योग्य पुलिस अधिकारियों कर्मियों को राष्ट्रपति पदक मिलने में रोड़ा अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों मिलने वाले सराहनीय सेवा व विशिष्ट सेवा पदक के लिए जिलों ने अब तक पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है बता दे जिलों को पांच अक्टूबर तक हर हाल में पुलिस मुख्यालय को सूची उपलब्ध कराने का आदेश हुआ था अब तक सूची नहीं मिलने के बाद आईजी जी मानवाधिकारी अखिलेश कुमार झा ने एक बार फिर जिलों को पत्राचार योग्य पुलिस पदाधिकारी कर्मियों की सूची मांगी है ताकि उसे ससमय केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराया जा सके काशी डीह प्रकरण में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार की ओर से मांगी माफ़ी दुर्गा पूजा के दौरान बुधवार को जिला प्रशासन ने काशी डीह के पूजा पंडाल में जो कुछ किया उसके लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार की ओर से माफ़ी मांग ली है बता दें बन्ना ने गुरुवार को कन्या पूजन के दौरान कहा कि जिला प्रशासन को अतिरेक में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी वहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ इससे लगता है कि अब इस मामले का पटाक्ष हो गया है क्योंकि अभय सिंह ने जिला प्रशासन से माफी मांगने को कहा था धन्यवाद